वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रकार्यकारी परिषद बैठक 27, 28, 29 मई को शिमला के अंदर संपन्न हुई, जिसमें पूरे देश भर के कार्यकर्ता उस बैठक के अंदर आए। और विद्यार्थी परिषद ने गत एक वर्षों के अंदर क्या किया और आने वाले वर्ष के अंदर विद्यार्थी परिषद क्या करने वाली, उन सभी को लेकर व्यापक तौर पर चर्चा हुई। इस पूरे राष्ट्रकार्यकारी परिषद बैठक के अंदर चार प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 1 स्टॉप अनएथिकल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, ये प्रस्ताव क्रमांक 1 का जो टाइटल है मैंने आपके सबके समक्ष रखा। उसमें विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट तौर पर मानना है कि ऐसी बहुत सारी राज्य सरकारें भारत के अंदर हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ की इंडिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने का काम करें, जिसके अंदर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसी राज्य सरकारें जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए अध्यादेश लाती हैं और जो अकेडमिशियन है उन पर एक गहरा प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर उनकी स्वायत्तता का ध्यान रखते हुए, उनकी इंडिपेंडेंसी को ध्यान रखते हुए उनकी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा प्रस्ताव जो है, इस समय पूरे भारत की वर्तमान परिस्थिति क्या है उस पर जो चर्चा की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर जो इस समय सेलेक्टिव किलिंग्स वहाँ पर की जा रही है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को मारने का काम किया जा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट तौर पर मानना। और विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक यहाँ मांग भी करती है कि वहाँ जो भी लोग, जो राष्ट्रभक्त लोग वहाँ अपनी सेवाएं भारत के लिए दे रहे, जो वहाँ अपनी जॉब्स कर रहे हैं, भारत की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो। वहीं इसी के साथ साथ जो भी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम सबके समक्ष आई है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन पॉलिसी है, जो भारत को किस प्रकार से रिफॉर्म करने में इसका बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिसके अंदर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसी ऐसी राज्य सरकारें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना होगा और करना चाहिए, ताकि यह एजुकेशन पॉलिसी जो भारत को रिफॉर्म करने में, भारत किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसमें छात्रों का कैसे भला हो सकता है, इस प्रकार राज्य सरकारों को ध्यान में रखते हुए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहीं जो चौथा प्रस्ताव क्रमांक 1 कि भारत कैसे आत्मनिर्भर भर सकता है, उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, यह प्रस्ताव क्रमांक 4 भी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर पारित किया गया है। वहीं इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के जो अन्य कार्यक्रम है, ये इस बार एबीपी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जो पौधारोपण के कार्यक्रम चलाने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी विद्यार्थी परिषद 1 लाख से अधिक लगाएगी, वहीं पूरे देश भर के अंदर 1 करोड़ से अधिक जो कार्यक्रम विद्यार्थी पौधारोपण के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करने वाले हैं। वहीं इसी के साथ साथ इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत में ही विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के अंदर 1 लाख से अधिक गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर, छात्रों के साथ मिलकर, एनसीसी कैडेट, एनएसएस के कैडेट के साथ मिलकर जो है 3,000 से अधिक गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। वहीं इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारे जो कम्प्लीट होने जा रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त के अवसर पर पूरे देश के अंदर जो है 2 लाख से अधिक गाँव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का काम करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी 3,500 से अधिक गाँव के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। वहीं कश्मीर के अंदर 1,000 से अधिक गांव के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। वहीं इस बैठक के अंदर जो विद्यार्थी परिषद का एक अभियान चलता है सेल्फी विद कैंपस यूनिट, जो कोरोना के कारण पिछले 1-2 वर्षों से विद्यार्थी परिषद नहीं कर पाई थी, इस वर्ष से जो विद्यार्थी परिषद सितंबर माह से जो इस सेल्फी विद कैंपस यूनिट कार्यक्रम को इस बार शुरू करने वाली है। वहीं इसी के साथ साथ एक विद्यार्थी परिषद 1965 से लगातार स्टूडेंट एक्सचेंज इन इंटरेस्टेड लिविंग सील करके जो एक हमारा कार्यक्रम चलता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को पूरे भारत का भ्रमण करवाया जाता है, इस बार विद्यार्थी परिषद उस कार्यक्रम को फिर से लेने वाली हो। ऐसे जम्मू कश्मीर के छात्र, उत्तर भारत के छात्र, पूरे भारत के जो छात्रों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर भेजा जाएगा, वहीं नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को भारत भ्रमण के कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इस प्रकार के विद्यार्थी परिषद के जो कार्यक्रम अगले इस वर्ष 2022-23 के अंदर विद्यार्थी परिषद क्या करने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर यह व्यापक तौर पर चर्चा होगी।